दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ अंतिम मैच के लिए बीसीसीआई ने घोषित की भारतीय टीम की प्लेइंग 11। टीम के अंदर एक साथ कर दिए तीन बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के अंतिम मैच के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस बीच बीसीसीआई ने खतरनाक मास्टर प्लान के तहत टीम के अंदर तीन ऐसे बड़े बदलाव कर दिए हैं जिनको देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिरकार इस सीरीज के अंतिम मैच के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव कर दिए हैं, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही में पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल में से कौन है महान बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला वनडे मैच तो टाई हो गया, लेकिन दूसरा वनडे मैच श्रीलंका की टीम 32 रन से जीत गई। ऐसे में अब तीसरा वनडे मैच भारत के लिए करो या मरो का होगा, जो 7 अगस्त को इसी कोलंबो के मैदान पर खेला जाने वाला है। ऐसे में आप इस मैच के शुरू होने से पहले ही बीसीसीआई ने टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। दरअसल बीसीसीआई ओपनिंग करने के लिए सबसे पहले रोहित शर्मा को शामिल कर चुकी है, जो भारतीय टीम के कप्तान हैं, जिन्होंने पिछले मैच में भी शानदार तरीके से 64 रन का योगदान दिया था। ऐसे में एक बार फिर से इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की बड़ी जिम्मेदारी है, जहां पर रोहित शर्मा पिछले दो मैच में अर्धशतक लगाते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में यहां पर भी उनसे बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा उनका साथ देने के लिए दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बीसीसीआई ने शुभमन गिल को शामिल किया है, जिन्होंने पिछले दो मैच में काफी ज्यादा खराब बल्लेबाजी की थी। ऐसे में अब यहां पर एक बार फिर से इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब ये खिलाड़ी टीम का उपकप्तान है। ऐसे में इनको टीम के नजरिए से बाहर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली को मौका दिया है, जो टीम के सबसे खतरनाक वनडे बल्लेबाज भी हैं। हालांकि इस सीरीज के अंदर विराट कोहली का अभी कुछ खास योगदान देखने को नहीं मिला, लेकिन अब उनसे काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि इस खिलाड़ी के ऊपर टीम की काफी ज्यादा निगाह रहती है, क्योंकि ये खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी से टीम को जीत दिला सकता है। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर को बल्लेबाजी के लिए शामिल किया गया है, जिन्होंने कुछ खास कमाल पिछले दो मैचों के अंदर नहीं किया है। ऐसे में अब यहां पर एक बार फिर से उन्हें मौका दिया गया है, जो टीम के लिए मुख्य भूमिका भी निभा सकते हैं। इसके अलावा विकेट कीपर के तौर पर बीसीसीआई ने केएल राहुल को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और अब उनकी जगह पर ऋषभ पंत को शामिल किया गया है, जो केएल राहुल की जगह पर टीम के अंदर बेहतर बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित कर सकते हैं और अपनी विकेट कीपिंग से भी सभी को हैरान कर सकते हैं। तो वही बीसीसीआई ने 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिन्होंने अभी तक ना तो गेंदबाजी से किसी को प्रभावित किया और ना ही अपने बल्लेबाजी से किसी को प्रभावित किया है। ऐसे में अब उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह पर रियान पराग को शामिल किया गया है, जो इसी टीम के लिए बेहतर गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर सभी को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा बीसीसीआई ने दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया है, जो अपने इस समय की शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में आप एक बार फिर से उनको टीम के अंदर मौका दिया गया है। तो वहीं इनका साथ देने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है, तो अक्षर पटेल की तरह ही बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर मिलकर भारतीय टीम को मजबूती इस मैच में दिला सकते हैं। तो वही बीसीसीआई ने स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया है, जिन्होंने पिछले दो मैच में दो विकेट लिए थे। ऐसे में अब एक बार फिर से इनके ऊपर बेहतर गेंदबाजी करने की बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, जो टीम के लिए मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए बीसीसीआई ने तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया है, जिन्होंने पिछले मैच में एक विकेट लिया। ऐसे में अब इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की एक बार फिर से जिम्मेदारी रहने वाली है। इतना ही नहीं, अंतिम गेंदबाज के तौर पर बीसीसीआई ने खलील अहमद को शामिल किया है, जहां पर उन्होंने अर्शदीप सिंह को खराब गेंदबाजी के कारण टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में खलील अहमद के आने से भारतीय टीम मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में अब इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम अंतिम मैच में श्रीलंका को बुरी तरह से हराने के लिए मैदान पर उतरने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।